हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम की फाइनल डेट शीट। आज हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है उन सभी के लिए डेट शीट होने वाली है। तो आज हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की मांग थी कि एक अलग से वीडियो बनाओ, हर सब्जेक्ट की डेट शीट को एक्सप्लेन करो। तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो बीकॉम प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी इवनिंग की रहेगी, यानी इवनिंग में आपका पेपर होगा, ठीक है। तो पहला जो पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 20 दिसंबर को होगा, जो कि होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पहला पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर जो आपका फिर होगा, फिर 27 दिसंबर को होगा, जो कि होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 का बिजनेस लॉ का दूसरा पेपर होगा, ठीक है। तीसरा जो पेपर होगा डिसिप्लिन का, होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 जनवरी को, ठीक है। एक्चुअली देखिए, डेट शीट में कन्फ्यूज़न मत होना, एक्चुअली बीकॉम प्रोग्राम की जो डेट शीट है वो अलग अलग जारी की जाती है। डिसिप्लिन कोर्स की अलग आती है, बाकी के AEC बैक उनकी डेट शीट अलग अलग निकाली जाती है। तो ये आपके डिसिप्लिन के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी डेट्स मैंने आपको बता दी। अब जब देख लेते हैं आपका जैनिक इलेक्टिव का पेपर कब होगा, वो भी नोट कर लीजिए। तो ये जैनिक इलेक्टिव की डेट है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आपका जैनिक इलेक्टिव का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, नोट कर लीजिए। तो जैनिक इलेक्टिव का जो पेपर है 14 दिसंबर को होगा आपका। इसमें आपने अगर इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी भाषा, काखा कुछ भी ले रखा है, ये सारा पेपर आपका जैनिक इलेक्टिव के पोर्शन का, वो आपका 14 दिसंबर को होगा। टाइमिंग रहेगी 2:30 से 5:30, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका AEC का पेपर, वो भी नोट कर लीजिए। तो ये AEC की डेट शीट है बीकॉम प्रोग्राम की। जरा मैं AEC का पेपर बता देता हूँ। तो AEC का जो पेपर है आपका, वो 3 जनवरी को आपको होगा, 3 जनवरी को बीकॉम प्रोग्राम वालों का। अगर आपने EBS ले रखा है तो EBS की टाइमिंग आपकी 9:30 से 15 रहेगी, ठीक है। तो ये रेगुलर वालों का, इसको नोट कीजिए। सोल वालों का 9:30 से 12 के बीच में होगा, ठीक है। हिंदी का खा गा ये सारी जो एग्ज़ाम है वो भी आपके 3 जनवरी को होगा, ठीक है। AEC के अंदर अगर आप जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है एबिलिटी एंड स्माइंड कोर्स के अंदर, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम की। ये आपकी डेट है, ये टाइमिंग हो गई, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है स्किल एनहांसमेंट का, उसकी भी डेट मैं बता देता हूँ। ये स्किल एनहांसमेंट की डेट शीट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का आपका स्किल एनहांसमेंट का पेपर कब होगा। तो स्किल एनहांसमेंट में अगर आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच ले रखा है, इसकी आपकी टाइमिंग 9:30 से 11:30 रहेगी। पेपर आपका 8 जनवरी को होगा बीकॉम प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये डेट है आपके 3 एग्ज़ाम की, ठीक है। बाकी रीडिंग इंडियन फिक्शन भी ले रखा है, वो भी आपका 8 जनवरी को, ठीक है। ये 3 पेपर रखे, ठीक है। बीकॉम 8 जनवरी को पेपर होगा स्किल एनहांसमेंट का, ठीक है। बीकॉम वालों का होगा 2:30 से 4:30, एक्चुअली मैं मिस कर गया, तो बीकॉम ऑनर्स की डेट थी। तो 2:30 से 4:30 का आपका पेपर होगा इन 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडिशन का, उसकी डेट देख लेते। तो बीकॉम प्रोग्राम का वैल्यू एडिशन कोर्स का जो पेपर हो 10 जनवरी को होगा, टाइमिंग आपकी 2:30 से 4:30 रहेगी, यानी ये भी आपका इवनिंग में होगा, सारे इवनिंग में होंगे आपके पेपर ये वाले बीकॉम प्रोग्राम के वैल्यू एडिशन में, जिसमें ये इन चारों में से जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, इनमें से एक पेपर आपका 2:30 से 4:30 के बीच में होगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपका पेपर ख़त्म हो रहा है बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।